हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं अरिस्टोजाइम सिरप के बारे में। दोस्तों, अरिस्टोजाइम सिरप के इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस सिरप के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, अरिस्टोजाइम सिरप को कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अरिस्टोजाइम सिरप की बात करें तो इसको अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस एक जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर डायटेस है और पेप्सिन है, ये दो तरह के इंग्रेडिएंट इस अरिस्टोजाइम सिरप के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो 106 रुपये में 200 ml की पैकेजिंग में इस समय ये सिरप आता है। दोस्तों, इसका जो प्राइस है समय के हिसाब से इंक्रीज होता रहता है, इस समय जो इसका प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, बात करते हैं इस अरिस्टोजाइम सिरप को कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, यदि किसी को इनडाइजेशन की समस्या रहती है, दोस्तों आप जो भी खाना खाते हैं आपका जो खाना है प्रॉपर तरीके से नहीं पचता है, तो उसको पचाने के लिए ये अरिस्टोजाइम सिरप बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, यदि आपको इनडाइजेशन की समस्या है, अपच की समस्या है, आपका खाना प्रॉपर तरीके से नहीं पचता है, बदहजमी की समस्या रहती है, तो आप उस कंडीशन में इस अरिस्टोजाइम सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो खाना पचाने के लिए हमारे पेट में हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, यदि वो किसी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से मर जाते हैं तो उस कंडीशन में इस अरिस्टोजाइम सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको खाना ना पचने से संबंधित प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आपको इस अरिस्टोजाइम सिरप का इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, एक एडल्ट व्यक्ति को सुबह शाम 10-10 ml खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपनी डॉक्टर की देखरेख में ही करें, अननेसेसरी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, डॉक्टर ही निर्धारित करेगा आपको कितने दिनों तक इस अरिस्टोजाइम सिरप का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आप इसको किसी भी केमिस्ट या मेडिकल शॉप से खरीद सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा, नहीं भी मिलता है तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें दोस्तों, इसका अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतली हो सकती है, वो बहुत कॉमन है, किसी किसी को देखने को मिल सकती है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।